फिर वही बारिश, फिर वही जल जमाव। बारिश आती है तो मौसम सुहाना होता है, मगर साथ ही जल भराव भी होता है। एक बार फिर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई। बुधवार रात से ही दिल्ली नोएडा के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। गुरुवार की सुबह भी बारिश के साथ ही हुई। लगातार हुई बारिश से एक बार फिर कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। कई जगह घुटनों तक पानी भरा है। सड़कों पर डिवाइडर डूब गए हैं। गाड़ियां पानी के अंदर रेंग रेंग कर चल रही हैं। इन हालातों के चलते सुबह सुबह लोगों को घर से निकलते ही कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्तों पर भरे पानी के चलते गाड़ियों की रफ्तार रुकी तो फिर वही ट्रैफिक जाम। काम पर जाने वाले लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी हुई। कुछ लोग जलभराव के चलते काफी देर तक एक ही जगह पर फंसे रहे। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में जलभराव का यही हाल देखने को मिल रहा है, जो जी का जंजाल बन गया है। हालांकि इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। ठंडी हवाओं की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। ठंडक इतनी है कि लोगों को अपने घरों के AC कूलर तक बंद करने पड़ गए हैं। वहीं बात करें आज के मौसम की, तो आज यानी कि गुरुवार को आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहावना बने रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है। इसके साथ साथ 30 अगस्त को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश से जहां मौसम खुशहाल बना हुआ है, वहीं प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरावट आई है। अनुमान है कि गुरुवार को इसमें और भी ज्यादा गिरावट आएगी। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को इसमें फिर थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, लेकिन फिलहाल मौसम किसी के लिए खुशनुमा है तो किसी के लिए ये मुसीबत बन गया है। बारिश के इस मौसम में घर से निकलने से पहले अपने रास्तों की जानकारी हासिल कर लें, रास्तों पर पानी ना भरा हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति को भी जान लें, तभी घर से निकलें।